बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की बात की जाए तो हर कोई सलमान खान की तारीफ करता है, और ऐसे में एक और एक्ट्रेस उतर आई हैं जो कि चाहती हैं सलमान खान की पूजा करना। जी हाँ, सलमान खान की फोटो लगाकर पूजना चाहती हैं ये एक्ट्रेस। तो चलिए बताते हैं आपको कौन है ये एक्ट्रेस। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान के साथ फिल्म वीरगति में नजर आ चुकी पूजा डडवाल हाल ही में मौत से सामना करके आई हैं। जी हाँ, वो सही सलामत वापस लौट आई हैं और ऐसे में उनकी हालत में सुधार है। लंबे समय से बीमार चल रही पूजा अब सलमान खान की फोटो लगाकर पूजना चाहती हैं उन्हें। जानकारी के लिए दर्शकों बता रहे हैं कि पिछले साल ही ये खबर आई थी कि पूजा को टीबी हो गया है और ऐसे में उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। वहीं पूजा का ट्रीटमेंट चला था करीब हॉस्पिटल में 6 महीने तक वो भर्ती रही और अपना इलाज कराती रही। ऐसे में पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया और पूजा की इन मुश्किलों में साथ दिया बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने। वहीं पूजा ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो अपने बीमारी वाले दिनों को याद करती हैं और कहती हैं कि मुझे शुरुआत में पता नहीं लगा कि मुझे टीबी है। परिवार से भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे उस वक्त खून की उल्टियां होती थी, मेरे बाल भी तेजी से झड़ रहे थे। जब भी मैं कंघी करती थी तो बालों का गुच्छा निकलता था। सारे बाल न झड़ जाएं इसलिए मैंने कंघी करना ही बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने अपने डायरेक्टर दोस्त को कॉल किया और अपनी हालत के बारे में बताया तो उन्होंने मेरा मुंबई का टिकट कराया। ऐसे में वो ये भी कहती हैं कि वो मेरी हालत देखकर चौंक गए थे। मेरा वजन उस समय केवल 26 किलो का था। वहीं उनके दोस्त डायरेक्टर राजेंद्र ने उनसे कहा कि मुझे सिवड़ी के टीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मेरा इलाज भी कराया, लेकिन पैसों की काफी तंगी थी उनके पास। वहीं साथ ही वो ये भी बताती हैं कि जब सलमान को इस बात का पता चला तो सलमान ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और सिवड़ी के टीबी हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया। जी हाँ, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पर इलाज अच्छा होता है, और इसके बाद सलमान की टीम ने उस सरकारी हॉस्पिटल को ही प्राइवेट जैसा कर दिया। मेरे लिए नया बेड से लेकर मेरे खाने पीने तक का सब कुछ सलमान की टीम ने किया। वहाँ एक केयर टेकर 24 घंटे मेरे साथ रहता था। इतना ही नहीं, पूजा काफ़ी इमोशनल हो गई और उन्होंने ये भी बताया कि मैं 2 दिन हॉस्पिटल में 9 लोगों को मरते हुए देख चुकी थी। ऐसे में मुझे लगा था कहीं मेरा नंबर तो नहीं है, लेकिन सलमान ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मेरी ये लाइफ उनके नाम है। मैं अब अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। मैं मेहनत करके एक घर खरीदना चाहती हूँ जिसमें मैं भगवान की तस्वीर नहीं बल्कि सलमान की तस्वीर लगाकर पूजा करूँगी। मुझे सलमान से मिलकर उनके पैर छूकर उन्हें धन्यवाद कहना है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे ये एक्ट्रेस सलमान खान की पूजा करना चाहती हैं। और भाई हो भी क्यों ना, बॉलीवुड के दबंग खान है ही इतने दयालु, हर किसी की मदद के लिए सलमान खान आगे खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे कॉमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज से हांशी की रिपोर्ट। बिग बॉस सीजन 13
लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब से शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तब से शो का नजारा कुछ और ही दिख रहा है। अगर बात की जाए कंटेस्टेंट की तो कंटेस्टेंट काफी एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिग बॉस में जब से विशाल आदित्य सिंह की एंट्री हुई है तब से लोग विशाल को काफी पसंद कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले विशाल नचवली में नजर आ चुके थे, लेकिन इसके बाद विशाल आ गए हैं बिग बॉस में। अब ये नजारा काफी दिलचस्प होने वाला है कि विशाल क्या करके दिखाते हैं। ऐसे में विशाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है बिग बॉस 3 के विनर रह चुके बिंदु दारा सिंह ने। जी हाँ, बिंदु दारा सिंह ने अपनी ट्वीट में लिखा है, आई हैव वर्क विद विशाल रिसेंटली इन नचवलिए। वो काफी अच्छे इंसान है लेकिन कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं और जल्दी ही उनके फेस पर स्माइल भी आ जाती है। लेकिन अगर बात की जाए सिड को लेकर, उन्होंने लिखा है कि वो सिड के लिए काफी अच्छी ओपिनियन रखते हैं। जी हाँ, ही वॉज ट्रूथफुल अबाउट द गुड ओपिनियन ऑफ सिड आउटसाइड द हाउस एंड गॉट नॉमिनेटेड फॉर भाऊ। वाकई में देखना दिलचस्प होने वाला है कि विशाल की फैन फॉलोइंग तो अभी से बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विशाल इस शो में क्या कमाल करके दिखाते हैं। क्या विशाल सिद्धार्थ शुक्ला की जैसी फैन फॉलोइंग बना पाते हैं, ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में शो के बाकी कंटेस्टेंट की बात की जाए तो शो के बाकी कंटेस्टेंट भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन विशाल की तारीफ करना वाकई में मजेदार है। भाई, आए हुए तो 2-3 दिन ही हुए हैं और ऐसे में विशाल आदित्य सिंह लोगों के फेवरेट भी बन गए हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी झट से बता दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको विशाल आदित्य सिंह कैसे लगते हैं। फिलहाल के लिए तो हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ मजेदार और दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।